What's up guys, welcome to the new video. Guys, in today's video we are playing drop ball challenge with SATL. तो इस चैलेंज में बस एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जो बास्केट है और जो बॉल डालेंगे उसका डिस्टेंस कुछ बहुत ज्यादा है। तो ट्विस्ट ये है कि बास्केट है यहाँ पर और बॉल डाला जाएगा सीधा छत से। तो गाइस होना ये है कि हर एक प्लेयर को 5 चांस मिलेगा। वो 5 चांस में वो जितने ज़्यादा बार बास्केट डालेगा, बास्केट में डाल देगा, वो ये चैलेंज जीत जाएगा। सो बहुत मजा आने वाला है, लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे हम सब लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं 5 लोग और यहाँ पे बारी बारी सब लोगों को टर्न मिलेगा। यहाँ पे रही बास्केटबॉल और यहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे कि एक्चुअली कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। नीचे से शायद इतना ना लगे। सो गाइस नीचे जो लोग खड़े हैं उनको शायद यहाँ पे ना पता हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे हैं तो ये फील हो रहा है कि हवा जो है उसकी वजह से थोड़ी सी बॉल स्वर्व करेगी। ऐसा नहीं कि उसको जस्ट ड्रॉप कर दिया जाए और वो चली जाएगी बास्केट के अंदर। थोड़ा सा टेक्निक तो चाहिए होगा। लेट्स सी, वी विल स्टार्ट ऑफ विद रेबेल। देखते हैं रेबेल कितने ज्यादा बास्केट कर पाते हैं और बास्केटबॉल भाई ट्रायल बॉल दे दो भाई। भाई कैमरे पे मत फेंक दिया बॉल। ओए सुन, एक ट्रायल बॉल दे दो भाई। होते होते सीधा कैमरे पे। चलो 3-2-1 गो। रमेश का फर्स्ट चांस कंप्लीट होता हुआ नहीं है बेचारे से। तो गाइस इतना आसान नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से जितना लग रहा है। इट विल बी अ डिफिकल्ट जॉब टू पुट दैट बॉल इनटू दैट होल। क्या लगता है कौन डालेगा? तुम ये बास्केटबॉल अवार्ड। चलो सेकंड टर्न फॉर रेबल। 3-2-1 गो। जोड़ ओ नमन। 22,000 का चश्मा पे गिरेगा बॉल, लंबा नुकसान होगा। 22 नहीं ब्रो, 21। 21,000 के चश्मे पे अगर गलती से भी बॉल गिर गया तो हमारा लॉस हो जाएगा क्योंकि हम इसको 21 साल चलाने वाले हैं। थर्ड चांस फॉर रेबल। 3-2 गो। तीन चांस हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं गया। व्हाट्स रॉन्ग विद जॉर्ड? हां जॉर्ड से काम नहीं हो रहा है, लगता है मुझे आना पड़ेगा। गाइस वी हैव वन मोर बास्केटबॉल ओवर हियर। दो बॉल पे ना। हां भाई मुंह में डाल दे। 3-2-1 गो। मॉडल के बम्पे बम्पे ले सीधा कमर पे दिए। वो भी सीधा जानबूझ के रोटी पे मोरो हट जा ऐसे देख रहा है ऐसे। गाइस रेबेल से एक भी बार नहीं घुसा। लास्ट चांस फॉर रेबेल। आई विल ट्राई फुटबॉल नाउ। 3-2-1 गो। सारी पिलर पे लगे यार। कोई बात नहीं, रेबेल से एक भी नहीं हुआ। अब आएगा मोस्ट प्रोबेबली मांबा। आप तुम्हारी बारी। बड़ा आसान लगता है ना। चलो आप टिप ये है कि जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, जितना मुश्किल दिख रहा है उतना भी नहीं है। ये ट्रिक है। मैं इतनी सी चूक पे बचाऊं ठीक है, तो अब तुम्हें ना कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। गेम का नाम क्या बताए? मांबा को फेंक के नीचे नेट में दुकाने दो। फर्स्ट टाइम बास्केटबॉल से छोटा ह्यूमन है। 3-2-1 लेट्स गो। मांबा आज पास भी नहीं। सेकंड चांस अभी से। 3-2-1 गो। एक बार हालत देख लो इनकी, उंगली रख के खड़े हैं वहीं से मारेंगे चांस। जय भद्रकाली। टीम जा रही थी लास्ट टाइम पे ऐसा घूम गई रे। प्लान है, उस प्लान के मुताबिक हम चलेंगे, फेंकेंगे। मैंने मार्क कर लिया, लोगों को पता नहीं है कि ये किस चीज़ का मार्क है, बट ये W है। गो। हमें W के नीचे गाइस क्या है? दत तलोल। दत तलोल। सो थर्ड चांस फॉर मांबा इन 3-2-1 गो फॉर W। रिंग तोड़ दिया गाइस, बास्केट जा चुका है। मेरा रिंग तोड़ दिया। लेफ्ट एंड द राइट। तो गाइस बहुत सारी मशक्कतों के बाद मैनेजमेंट ने सारी तैयारियां दोबारा कर ली हैं। रिंग जो है दोबारा फिक्स हो गया है ऑन इट्स प्लेस। W भूल गए हैं। W साले कहीं पे भी रख देगा W शुरू हो जाएगा। 3-2-1 गो।
Last chance for Mamba. Last chance for Mamba. Come on, Mamba. Come on. 3, 2. Oh, what a baby. बहुत कम लोग होंगे जो इस वन को भी ब्रेक कर सकते हैं। गाइस मर्सी को बास्केट ही दिख रहा है। ही हैव टू डू लाइक दिस। बहुत टफ है। लास्ट के दो चैलेंजों में जैसे कि आप लोग ने देखा है मेरे साथ फाउल हुआ है। फाउल वाले गेम में फाउल नहीं होगा। हाँ तो क्या हम ऐसे करके दिए थे वो वाले चैलेंज में, मेरे हाथ में था ही नहीं वो, मेरे को आउट कर दिया। चलो गाइस 3, 2, 1 गो। अरे क्लोज ही नहीं था। 3, 2, 1 गो। मर्सी के ऑलरेडी दो अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3 मोर अटेम्प्ट टू गो, एक भी नहीं गया अब तक। कोई हवा मार फाउल हुआ, किसी ने फाउल करा है क्या? ये हवा मार रहा है, मार के ड्रोन ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर ले ड्रोन। फाउल हुआ मर्सी, फाउल हुआ। नहीं नहीं ये फाउल है, फाउल फाउल है। थर्ड चांस फॉर मर्सी इन 3, 2, 1 गो। चिल्लाने दे लोग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन बुला रहा है उधर? मैं वही देख रहा हूँ जैसे पीछे, कहाँ जा रहे हैं? हेलो, पिछले 3-4 चैलेंज से फाउल हो रहा है, आज मुझे जस्टिस मिला। थैंक यू गाइस, आपने बोला जस्टिस पर मर्सी, जस्टिस पर मर्सी, जस्टिस गेम गया आपने, इसलिए हम जीत गए। हम जीत गए, हम और आएंगे नहीं अभी कोई भी। और तो 3 कौन डालेगा भाई? हम 2 डाल जीत गए। इसी के साथ आप लोगों को मिलेंगे कल, बिकॉज मर्सी ने अब डाल दिया। हम सोच रहे कि क्या ही चैलेंज करेंगे, डीमोटिवेटेड नहीं है, वी आर मोटिवेटेड। मर्सी ने 3 मार दिया, हम तो 5 मार लेगा इजी। कल मिलते हैं, कल बाय, पीस आउट। So guys, here we are on the day 2 of this basketball throwing competition into the net. कल Mercy 2 बार मार के गया था और वो चैलेंज देके गया है सब लॉन्डो को कि आपको मारने 3 बार अगर आप लोगों को ये रेस जीतनी है। कैसे रहा था यार? क्या Mercy को नीचे दिखा कैसे? Mercy बोल रहे कि नहीं देख सकता था, Mercy पहले देखा। अच्छा फिर भी अच्छा कर रहा है वो, तुम मार के दिखाओ। बातों करने के जो शेर होते हैं ना, ये सारे वही हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। चलो इसी मुहावरे के साथ हम लोग चलेंगे माफिया की पहली टर्न की तरफ। माफिया तुम्हारा हथियार उठा लीजिए। सो ड्रोन इज ऑल्सो अप इन द स्काई। चल माफिया, योर फर्स्ट टर्न। सो माफिया का फर्स्ट चांस इन 3, 2, 1 गो। गया गाइस, मटका था, तुक्का था, ये जा नहीं सकता था, ये हवा ने इसको हेल्प करा है। सो सेकंड चांस फॉर माफिया इन 3, 2, 1 गो। कुछ भी, हाँ तो फिर पहले में क्या हुआ था? पहले में भी हवा चली थी, मतलब पहले में हवा की वजह से ही क्या था, मतलब गंदे बहाने दे ले, गंदे बहाने। ड्रोन से हवा मार रहा है बॉल को, मतलब फिजिक्स की तो ऐसी तैसी कर दी भाई। सो माफिया का थर्ड चांस इन 3, 2, 1 गो। नहीं हो पा रहा है क्या? चल रही है, तुक्के में चला गया भाई, तुक्के में चला गया। मर्सी लगता है अच्छे मार के गया। सो फोर्थ चांस फॉर माफिया इन 3, 2, 1 ओ भाई बॉल बाहर चला गया, बॉल ही बाहर चला गया। वाह वाह बेटे, मौज कर दी बेटे। तो ड्रोन साइड करो भाई, तुम ही कर रहे हो, मुझे मालूम है, हवा दे रहा। माफिया फिजिक्स पढ़ी थी। यस। सो गाइस लास्ट टाइम बताया माफिया के पास अगर वो पॉट करेगा अभी तो मर्सी को वो टक्कर दे सकता है, अभी जीत नहीं सकता उससे क्योंकि मर्सी मार के गए 2, माफिया ने जस्ट 1 मारा है। 3, 2, 1 गो। ओ भाई मर्सी का बराबर, ड्रोन से हवा दे रहा है वो, अब साइड पे था वो ड्रोन। इसके तुक्के लग रहे भाई, क्या लाइफ में क्या देखने मिला और इसके तुक्के लग रहे भाई। भाई उमंग को बोल दो ऊपर खड़े रहे, बाजू वाले हम लोग को पेल देंगे लगता है।
तो गाइस हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ रहे हैं अक्षु, जो कि है मुर्गी, और वो अपनी मुर्गी के पंखों से इस बॉल को डालेंगे पोर्ट में। किस में डालेंगे? पोर्ट में, सीपीयू के पोर्ट में। तो फर्स्ट शॉट फॉर अक्षु इन 3 2 1 गो। हेला वाला लंबे मार्जिन से हगा अक्षु ने भाई। अगर यहाँ पे बास्केट है, बॉल यहाँ पे गया। सो सेकंड चांस फॉर अक्षु इन 3 2 1। अरे भाई हवा चल रही है। अभी नहीं, मैं बताता हूँ अक्षु क्या करता है हर गेम में, चाहे पूल हो, कैरम हो, चाहे अब बास्केटबॉल हो, एम करता है। एक्यूरेसी नहीं, पावर लगाता हर चीज में। पूल में डंडे पे जोर से पावर मारेगा, अब कैरम में मारेगा। हाँ। अभी इसमें भी सब फेंक रहा है वो, उस वजह से उसका एक्यूरेसी सीधा नीचे आ रहा है। थर्ड चांस फॉर अक्षु इन 3 2 1 गो। अरे हद्दू प्लेयर, नहीं यार हवा चल रहा है, मैं करूं। फोर्थ चांस फॉर अक्षु इन 3 2 1 go. अमन क्या कहना आपको इसकी प्रदर्शन में? एज यूजुअल हमेशा हर गेम में हकते हुए, पबजी हो, इसे लेके वैलोरेंट हो, या फिर कोई भी ई स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स गेम हो, अक्षु तो हगेगा ही हगेगा। लास्ट चांस लेफ्ट फॉर अक्षु, अब तक 4 अटेम्प्ट मिस कर चुके हैं, ही इज नॉट अ कंटेंडर एनीमोर। सो लास्ट चांस फॉर अक्षु इन 3 2 1 गो। अरे हद्दू प्लेयर भाई, नहीं जा रहा, हवा चल रहा है। 5 का 5 शॉट कोई कैसे आ सकता है भाई? अक्षु ने निभा लिया अपना जो उसको निभाना था। अबे क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य। पांच में से उसका बास्केट पे भी एक शॉट लगा है सिर्फ, कैच भी नहीं हुआ ना, 4 ऐसे निकला है। So guys, अब हमारे अगले कंटेंडर हैं, इट्स नन अदर देन द बहला ऑफ आवर गेमिंग हाउस। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कौन आ रहा है। प्रेडिक्शन बता पहले, अब देखते कौन लगता है। 2 देखते हैं। सो फर्स्ट चांस फॉर अमन इन 3 2 1 गो। अबे हवा आ रही है, हवा हवा हुई हटी। अमन को क्या लगा पता है, हवा वहां से आ रही है, थोड़ा यहाँ गिराऊंगा तो यहाँ जाएगा, और जब उसने फेंका हवा रुक गई, थोड़ा सा हवा से लेफ्ट से राइट हो गया। मेरे को बस वो पेड़ है उनको देखना है, उनकी डायरेक्शन अगर राइट हुई तो मतलब राइट साइड हवा चल रही है, उनकी डायरेक्शन अगर लेफ्ट हुई तो मतलब लेफ्ट साइड हवा चल रही है। सेकंड चांस इन 3 2 1 गो। गया यार, अरे गया यार, चीटिंग कर रहे यार ये पूरा, अबे रहने दे, चलो बॉल उठाओ, थर्ड चांस फॉर अमन इन 3 2 1 गो। हवा आ रही है पूरी। भेला वाट, एक आखिरी चांस बचा है अमन के पास, क्या वो मर्सी को टक्कर दे पाएगा? 3 2 1 गो। गया। क्या गया? नहीं गया, गया। उसका 6 साल का इंजीनियरिंग काम आया। कोई बात नहीं, तीतर हो तुम, तीतर। मेरे को ये तरीका पता चल गया, थोड़ा सा यू करके फेंकना पड़ता है। नेक्स्ट सेशन में तुम्हें यू करके फेंक रहे थे, इसलिए सही हुआ। सो गाइस, अब हाफ चुका है बिकॉज़ बहुत देर से नीचे था। नहीं, एंड अब चढ़ के आया लिफ्ट में, नहीं ठीक है, ऐसे डालू क्या? ऐसे तो डाल देना, मैं तेरे को 10,000 रुपए देगा। सो हमारे पास आ चुका है मॉडल, अभी बहुत देर से नीचे रिएक्शन दे रहा था, दूसरों पे हंस रहा था, बट नाउ इट्स हिज टाइम टू गिव 5 चांसेस। सो फर्स्ट चांस फॉर मॉडल इन 3 2 1 गो। भाई शर्ट लगाई नहीं थी मैंने, 10,000 देगा। अरे मैंने 10,000 कंफर्म लाख बोला था, यहाँ रख के मारे। हाँ लाख बोला था, वो कंफर्म नहीं करी थी। कंफर्म क्या, ये रिकॉर्ड हुआ है, कंफर्म मटका, सब कैलकुलेटेड मटका गाइस। गॉड और व्हाट, द सेकंड चांस फॉर मॉडल इन 3 2 1 गो। जस्ट कैलकुलेटेड बाय मी एज वेल। तो अब 2 चांस हो गए, 2 में से एक गया, 3 बचे। लेफ्ट से राइट से अप डाउन हो गया। सो लेट्स गिव अ लिटिल रिमाइंडर आप लोगों को, मर्सी ने मारे 2 अभी तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट, उसके मारे माफिया ने 1, अमन ने मारा 1, मॉर्टल ने अपनी पहली चांस में 1 मार लिया था। सो ही गॉट 3 मोर चांस नाउ। सो मॉर्टल का चांस तीसरा वाला, 3 2 1 गो। ओ भाई,
सामने वालों के घर पे चला गया गैस बॉल नहीं हो पाएगा बास्केट पे लग के निकल गया नहीं हो पाएगा फोर चांस फॉर मॉडल फोर चांस फॉर नमन इन 3 2 1 गो सो फाइनल चांस फॉर मॉर्टल देखते हैं आखिरी चांस में कैनी ड्रॉ विद मर्सी या तो फिर अगर उससे हार गया मेरा एक प्लस पॉइंट है गाइस थोड़ा सा हमने बैक पे बॉल रख के मारा है तो एक 2.5 ऐसे तो मेरा नहीं प्लस पॉइंट होना चाहिए मैं चार बार हवा ऐसा कोई हगा लगातार चार बार मेरा लास्ट चांस फॉर मॉर्टल इन 3 2 1 गो देगा मार दे भाई नहीं हो पाया गया एक बार मैंने हार रख के मारा था तो एक बोनस तो मिलना चाहिए भाई वो तुमने हमको पूछना चाहिए था नहीं गाइस ये सब बोनस बोनस वाला कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे तुम दिवाली बोनस थोड़ी लेने आए हो गाइस ये चैलेंज है यू हैव टू पुट इन 5 chances ओके गाइस इट्स केतन्स टर्न 5 chances दो बॉल्स है इन दो बॉल्स को एक नेट के अंदर डालना बहुत इजी टास्क था रेडी 3 2 1 गो यार ये वही लोग है भाई जो हवा को रोक देते हैं कभी कभी कैसे रोकते हैं पता नहीं किस्मत से हवा के दांत शुरुआत भाई नमन की भी थी केतन की भी है गाइस केतन के पास अभी और 4 turns है और एक वो डाल चुका है मेरे ही राह पे चल रहा है चल नेक्स्ट 1 go हो गया दिखा दिया ना हवा चल तुक्के लगते तो ऐसे ही होता है 3 2 1 आए बड़े ओ ये कर रहे थे ओके द लास्ट चांस फॉर केतन सो नाउ द फाइनल टर्न 5वां अगर गया तो केतन विनर ऑलमोस्ट डिक्लेयर समझ लो चेन खुली की मेन खुली क्या तो केतन इज द करंट रिकॉर्ड होल्डर विद 3 baskets इसने 3 मार लिए अब देखते हैं आगे क्या होता है हम मैं और वाइपर बाकी है और हाई स्कोर कितना है 3 ही है ना 3 ही है लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट सो गाइस नाउ इट्स वाइपर्स टाइम टू गेट हिज 5 chances एंड उसमें से देखते हैं कितनी बार वो बॉल पॉट इन करता है इनटू दैट नेट एंड ही इज गोइंग विद दैट बास्केटबॉल वाला बॉल 2 1 गो देखते सेकंड चांस फॉर वाइपर इन 3 2 1 गो बास्केट बॉल 2-on-2 गॉड मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है जीत जाएगा मेरे से भाई लूंगा तुक्के कैसे लगते हैं भाई अभी क्या तेरे चांस था ना इसके पहले हाँ 3 मार थोड़ा मोटिवेशन लिया मैंने देखा क्या एंगल से डाल रही है घंटा कुछ नहीं देगा मजाक कर रहा हूँ सो थर्ड चांस फॉर वाइपर इन 3 2 1 गो बास्केट भाई 3 मार गया 3-on-3 बोल कैरम चैंपियन यार बास्केटबॉल चैंपियन है ओ अच्छा मैं गुड लक था वाइपर के लिए थोड़ा लेफ्ट राइट बोल दिया मैंने फोर्थ चांस एंड कैन यू डिफीट केतन 3 2 1 गो ओ ऑलमोस्ट हम दोनों भी टक्कर में आए 3 जा चुके केतन के 3 जा चुके वाइपर के बट 1 chance फॉर वाइपर लेफ्ट इट्स टाइम फॉर डेस्टिनी इट्स टाइम फॉर द फाइनल बॉल इट्स बॉल द बॉल फॉर द फाइनल कॉल हु विल विन चलो 3 2 1 गो नहीं जाएगा प्लीज सो गाइस 3-on-3 फॉर वाइपर 3-on-3 फॉर मी सो इट्स अ टाई ड्रॉ हो चुका है केतन और वाइपर के बीच लेकिन अब उमंग की बारी है उमंग का चांस है अगला It's time for him to get his 5 chances. It's first time for Umang. In 3, 2, 1, go! Oh, touch! Touch भी नहीं करा. Oh, guys, Glenn McGrath बन गया.
फोर मोर चांसेस टू गो द ओनली वे टू विन इज वो चारों के चारों डालेगा सेकंड चांस फॉर उमंग इन थ्री टू वन गो बास्केट थोड़ा मजा आ गया थर्ड चांस फॉर उमंग इन थ्री टू वन इसमें थोड़ा डर लगता है और कुछ ये एंडरसन वाला बॉल है मारो 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 दो चांस थ्री टू वन गो तीन के तीन लास्ट चांस लेफ्ट उमंग कैन ही विन इट रेडी थ्री टू वन गो भाई यार जीत गया यार भाई गलत मैंने और वाइपर ने सोच रहा टाइम ब्रेक हो रहा बट ये आया आउट ऑफ द सिलेबस एंड ही इज द विनर ऑफ द SAT12 बॉल थ्रो लेट्स गो भाई एक्सपेक्टेड ही था कि उमंग लास्ट में चार पांच में से चार डाल देगा तो गाइस हम लोगों ने हर तरह के प्लेयर यहाँ पे देख लिए जिसने एक भी नहीं डाला है जो कि है अक्षु टच भी नहीं करी उसने रिंग और फिर है साथ में हमारा उमंग जो कि मतलब वो लास्ट में आया और उसने सारे के सारे ऑलमोस्ट डाल दिए थे फार डाला पूरा गाइस कौन सा आपका फेवरेट मोमेंट था कमेंट सेक्शन में बता देना मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाबा साहब